तो फिल्टरिंग हमने सीखी ACL से करनी, परफेक्टलिस्ट से करनी, और होप सो ऐसा सोचता हूँ मैं कि सबको पता होगा ACL और परफेक्ट लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ACL के थ्रू हम क्या मैच कर सकते हैं, सिर्फ परफेक्ट लिस्ट के थ्रू, ठीक है जी। ये था, अब तीसरी चीज आई है एक और, जिसको हम बोलते हैं राउट मैप। अब सबसे पहली बात बता देता हूँ, राउट मैप एक फीचर है राउटर पे, जो हम कुछ पैरामीटर्स मैच करवाने के लिए यूज करते हैं। अब तक ना मैं फिल्टरिंग प्रीफिक्स बेस्ड करता आया था, किस बेसिस पे? प्रीफिक्स बेस्ड का मतलब क्या है कि ये प्रीफिक्स मैं टेबल में डालूंगा, ये प्रीफिक्स मैं टेबल में नहीं डालूंगा, यही तो कर रहा था मैं। मतलब जब भी मेरे पास अपडेट आता था, अपडेट में मैं मैच क्या करता था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नेटवर्क आईडी या फिर सबनेट मास्क। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, नेटवर्क आईडी या फिर सबनेट मास्क। बट अब इस केस में मैं फिल्टरिंग प्रीफिक्स बेसिस पे नहीं करूंगा, किसके बेसिस पे नहीं करूंगा, अलग पैरामीटर के बेसिस पे करूंगा। रिजर्वेशन सबको पता क्या होती है, सबको पता? यस सर। रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे होती है, एग्री? तो वैसे ही जो फिल्टरिंग अब तक मैं करता आ रहा था वो किसके बेसिस पे थी, प्रीफिक्स, नेटवर्क आईडी या फिर सबनेट मास्क। अब मैं अलग पैरामीटर यूज करूंगा फिल्टरिंग करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि जितने राउट्स की मीट्रिक 10 है वो सारे क्या हो जाएं, फिल्टर। अब देखो, प्रीफिक्स बेस्ड फिल्टरिंग और पैरामीटर बेस्ड फिल्टरिंग में फर्क क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैरामीटर कितने मैच कराने पड़ेंगे, एक, लेट्स से 1000 राउट्स है, उसमें से 700 राउट्स की मीट्रिक 10 है और मुझे वो सारे राउट फिल्टर करने हैं। अगर प्रीफिक्स बेस्ड फिल्टरिंग करूंगा तो कितनी सारी स्टेटमेंट आएंगी, एग्री? तो मैं कौन सी फिल्टरिंग करूंगा, पैरामीटर बेस्ड फिल्टरिंग। तो रूट मैप एक टूल है राउटर पे, जिस पे आप क्या मैच करवा सकते हो, क्या मैच करा सकते हो, पैरामीटर। इतनी बात समझ में? यस सर। तो नॉर्मल रूट मैप से स्टार्ट करूं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल एक रूट मैप का लेके स्टार्ट करते हैं। रूट मैप का लॉजिक भी सेम है जैसे ACL और परफेक्ट लिस्ट का होता है, कैसे, लिसन टू मी केयरफुली। रूट मैप के केस में भी क्या होता है, लेट्स से मैं रूट मैप में एक्शन डिनाई डिफाइन करता हूं, क्या डिनाई करता हूं, एक्शन, सॉरी, क्या डिफाइन करता हूं, एक्शन डिनाई। देखिए मैं स्विच किसका, एक्शन क्या डिफाइन किया, डिनाई, तो वो तो डिनाई हो जाएगा, बाकी सब कुछ भी क्या हो जाएगा, डिनाई। क्या हो जाएगा, ACL का रूल याद है, अगर कुछ परमिट करूंगा तो परमिट, बाकी सब कुछ अपने आप, कुछ डिनाई करूंगा तो डिनाई, बाकी सब कुछ भी। सेम रूल किसके साथ चलेगा, ACL। चलो CCNA स्विच में दो यूजर जब सेम व्हीलन में हैं और उनके कम्युनिकेशन को स्टॉप करना है, कितने तरीके हैं बताओ जी, पेपर नितिश, वेरी गुड, व्हीलन ACL, यहीं रुक जाओ। व्हीलन ACL में सबसे पहले मैं ACL बनाता था, उसके बाद क्या बनाता था, व्हीलर एक्सेस मैप। जब मैंने आपको व्हीलर एक्सेस मैप समझाया था, आपको उस टाइम एक लॉजिक बताया था कि लेट्स से मैंने व्हीलर एक्सेस मैप डिनाई एक्शन के साथ बनाया, उसके बाद मुझे परमिट एक्शन के साथ एक और एक्सेस मैप बनाना पड़ेगा बाकी सारे ट्रैफिक को परमिट करने के लिए, एग्री? तो सेम लॉजिक किसमें चलेगा, रूट मैप में। अगर मैं रूट मैप में क्या बनाऊंगा, डिनाई लॉजिक लगाऊंगा, तो मुझे उसके बाद एक और रूट मैप बनाना पड़ेगा किस लॉजिक के साथ, परमिट लॉजिक के साथ, वरना बाकी सारे अपडेट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर? तो रूट मैप सिमिलर टू व्हीलन एक्सेस मैप, मैं बोल उल्टा रहा हूं, व्हीलन एक्सेस मैप सिमिलर टू रूट मैप। तब आपने रूट मैप नहीं पढ़ा था, मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्लियर? अब मैं आपको रूट मैप बनाना सिखाऊंगा, राउटर में बनाते कैसे हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ आप रूट मैप को अप्लाई करोगे, सेम काम है रूट मैप का, मैचिंग कर मैच कराएगा पैरामीटर्स को, और मैचिंग करने के बाद हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। और इस बार हम प्रीफिक्स बेस्ड फिल्टरिंग ना करके क्या करेंगे, पैरामीटर बेस्ड फिल्टरिंग। तो मैंने सबसे पहले आपको कौन सा पैरामीटर मैच करना बताया, एग्जांपल किसका दिया, मीट्रिक। तो मैं पता है क्या क्या मैच कर सकता हूँ, अभी लिखूंगा यहाँ पे, आप भी नोट डाउन करोगे, लिखो क्या क्या मैच कर सकता हूँ। पहली चीज मीट्रिक, विच पैरामीटर्स वी कैन मैच इन रूट मैप, लिखो विच पैरामीटर्स वी कैन मैच इन रूट मैप। Which
कुछ पैरामीटर्स वी कैन मैच इट यार पानी की बॉटल ऊपर तो नहीं छोड़ दिया ऊपर आप पानी बॉटल में कल से वो हो गया मेरी बॉटल नहीं लानी मुझे लिखो पहला मीट्रिक पहला क्या मैट्रिक दूसरा मीट्रिक रेंज क्या है दूसरा रेंज बोल थोड़ा मीट्रिक रेंज हाँ तीसरा क्या राउट टाइप तीसरा क्या राउट टाइप चौथा क्या सोर्स प्रोटोकॉल चौथा क्या सोर्स प्रोटोकॉल पांचवा इंटरफेस हाँ लिख लिया पांचों पैरामीटर तो एक एक का एग्जांपल दूंगा टोपोलॉजी बनाता हूं समझाता हूं फिर मल्टीपल पैरामीटर मैच करना सिखाऊंगा पहले सिंगल फिर मल्टीपल पहले सिंगल का लॉजिक समझो फिर किसका लॉजिक समझना मल्टीपल का कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना यार दीदार को तरसे अखियां और सुना दो बढ़िया सितारे सही चल रहे हैं भाई दशा सही है इसका मतलब ये था स्विचिंग वाले बिल्कुल सिक्योरिटी वालों को लगते हैं 2 साल पूरी कंप्लीट करने में हाँ सभी लोगों को गोली मार देनी चाहिए सही में तुम्हारे वहाँ डाकू सही है बनता भी है इतने बोलते हैं तुम लोग वो जबलपुर में है तो डाकू ही डाकू कई अंकल का साइड बिजनेस डाकू ही तो नहीं है दिन में मतलब अपना काम करते हो रात को घोड़ी पर डाकू चलो भाई स्टार्ट करते हैं हाँ भैया आप कुछ बता रहे कहाँ डाकू बच्चे हैं होंगे कहीं थोड़े बहुत तो होंगे देखे होंगे तूने देखे तो मैं तूने डाकू ये तो पता मुझे उस दिन देखा था अंधेरे में डाकू देख के डर गया था तू आप में से कितने लोगों ने बोला चुटकुला सुना है शेर आ गया सुनाओ फिर अब तो आप भी लूप में कैसे ही बनाते होंगे कॉपी कैट चल
भाई बना दिया, लूपिंग बैक का काम खत्म हुआ, ऑल्टो पे आ गए। ऑल्टो पे एक इंटरफेस पाइप दिया ना अभी तो भाई, नेटवर्क लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम लग रही है तो यार हमेशा मैं यही डायग्राम बनाता हूँ जब भी राउट फिल्टरिंग करता हूँ भाई, पिछला डायग्राम याद कर ले। नेटवर्क डन। ऑल टू पे के आ जाएंगे सारे लूपबैक्स, आ गए भी सारे 10 के, 20 के भी और 30 के भी, 30-40 20 बोल गया मैं। सॉरी आ रहे 10 का, 30 का भी और 40 का भी, एग्री। अब देखो आप जितने राउट्स देख पा रहे हो सबकी मैट्रिक सेम है, सबकी मैट्रिक सेम है ना। रीजन क्या है, सारे एक हॉप दूर है और सारे लिंक फास्ट इथरनेट है भाई। देखो 3 से अपडेट आएगा 2 पे, 1 से आएगा 2 पे, 4 से आएगा 2 पे, सबकी मैट्रिक तो क्या रहेगी सेम, एग्री। तो मैं क्या करता हूँ, लूप बैक्स पे डिले चेंज कर देता हूँ, हर लूप बैक पे डिले हो क्या कर देता हूं चेंज, जिससे मैट्रिक भी क्या हो जाए चेंज। चेंज समझ में आ रहा, होप सो आ रहा होगा। चारों इंटरफेसेस का डिले अलग 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 कर दिया, डिले। ओहो, गलती हो गई, क्या हो गया ऐसे, तुम मेरी तरफ मत देखा करो, मुझे तो पता है गलती हो गई। चिपका दिया सब पे डिले, चिपका दिया डिले सब पे। अब 2 पे आ जाऊं, सारे नेटवर्क सारे हैं, मीटर देखो अलग अलग है, सबको दिख रही है। हाँ भाई विशाल वरुण ठीक है, तू मीटर देख अलग अलग है। लेट्स से मैं जाता हूँ, जिन भी राउट्स की मीटर किए हैं 32,000 वो सारे डिनाई हो जाए, वो सारे क्या हो जाए डिनाई, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं परफेक्ट लिस्ट बनाता तो मुझे ये नेटवर्क अलग कॉल करना पड़ता, ये अलग कॉल करना पड़ता, और ये बेशक ACL बना लो, बेशक प्रीफिक्स लिस्ट बना लो, इन नेटवर्क्स को आप एक सिंगल स्टेटमेंट में मैच कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, एग्री। तो क्या बनाएंगे हम राउटर पे, क्या बनाएंगे राउट, किस नाम से बनाऊं राउट मैप, किसी भी नाम से, शीला मुन्नी शालू जो आपको पसंद हो,
अपना नाम भी रख सकते हो क्या? आपका नाम चारू बेबी डॉल। ये जैसे बेबी डॉल रखना चाहते हो आप, आप क्या रखना चाहते हो? अनुज बटिस्टा जॉन सीना नो वन कैन सी यू। जैसे रवि अपना नाम रखना चाहे तो कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, नंबर भी हो सकता है नाम और नेम भी हो सकता है। और नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आपको थोड़ा बता रहा था मैं, आप अपने आप को इतना डम समझो ही मत। ठीक है जी, तो ये नंबर भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, और नंबर और नेम का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो लेट से मैंने नेम चूज कर लिया, नाम मेरी मर्जी भाई कुछ भी नाम रखूं। उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं? ऑपरेशन एक्शन। किस राउट मैप में जो मैच होगा उसको डिनाई करना या फिर परमिट करना। अब अगर मैं एक्शन डिफाइन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या होता है? परमिट। बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या होता है? परमिट। अगर मैं एक्शन डिफाइन नहीं करता तो मेरे को पर एक्शन क्या रखना है? डिनाई। कर दिया इंटर। अब आप कहोगे सर आपने सीक्वेंस नंबर तो डाला नहीं। अगर मैं सीक्वेंस नंबर इंसर्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला सीक्वेंस नंबर आएगा 10, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 30, उसके बाद आएगा 40, ऐसे क्या होता रहेगा? इंक्रीमेंट। क्लियर? चलो आगे। चलो मैच कितने मीटर गया? अगर ये मीट्रिक मैच हो तो अपडेट्स क्या हो जाए? डिनाई। तो अगर मैंने एक चीज डिनाई कर दी बाकी सब कुछ भी क्या हो जाएगा? तो बाकी सब कुछ को क्या करना पड़ेगा? परमिट। बाकी सब कुछ को क्या करना पड़ेगा? तो मैं एक और क्या बनाऊंगा? किस नाम से? डम स्टेटमेंट। अब यहां मेरे को क्या देना पड़ेगा? सिक्वेंस नंबर। क्यों? अगर नहीं दूंगा तो पिछली ये स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगी? ओवरराइट। एग्री? तो सीक्वेंस नंबर क्या दिया? 20। अब इसमें कुछ मैच करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ मैच नहीं करवाता तो अपने आप ही क्या होता है? मैच ऑल। बाकी सब कुछ मैच हो गए, अपने आप क्या हो जाएगा? परमिट। बाकी सब कुछ मैच हो गए, अपने आप क्या हो जाएगा? देखो जिन राउट्स की मैट्रिक 32,000 नहीं होगी वो इस राउट मैप के साथ तो मैच होंगे नहीं। किस राउट के मैप के साथ मैच होंगे? इसके साथ। इसमें मैं कुछ मैच नहीं करवा रहा, इसमें मैं कुछ मैच, अगर मैं कुछ मैच नहीं करवाता इसका मतलब क्या होता है? मैच ऑल। इसका मतलब क्या होता है? और जब जो भी मैच होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? डन। तो डू शो रन सेक्शन राउट मैप। देखो आपके सामने राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। सबसे पहले राउट मैप बनाया किस नाम से? एक्शन का डिफाइन किया। अगर ये मीट्रिक मैच होगी तो रूट्स को क्या कर देना है? और अगर कुछ और हो तो उसको क्या कर देना है? परमिट। क्लियर? अब किस पे जाऊंगा? राउटर IGRP1 क्या लिखूंगा? उसके बाद क्या मैच कराऊंगा? नाम क्या है? डायरेक्शन। डन। शो क्या लिखा हुआ है? इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज रूट मैप। रूट मैप का नाम क्या है? शो IP राउट IGRP1। सब देख सकते हो 32,000 वाले नेटवर्क्स क्या हो गए हैं? फिल्टर। क्या हो गए हैं? फिल्टर। डन। समझ में आया मीट्रिक कैसे मैच करानी है? yes, सबको इजी yes, है। हाँ भाई प्रैक्टिस क्या पहले समझ में आएगा फिर प्रैक्टिस होगी। चले आगे। सेकंड पैरामीटर क्या मैच कर सकते हैं?
मीट्रिक रेंज का क्या मतलब है गाइस, पहले इधर देखो मीट्रिक रेंज को समझो। लेट से मैं जाता हूँ जिन राउट्स की मीट्रिक 100 से लेके 300 तक है वो सारे फिल्टर हो जाए, मतलब मैं एक पर्टिकुलर मीट्रिक नहीं मैच कराऊंगा, आई विल नॉट मैच अ पर्टिकुलर मीट्रिक, आई विल मैच अ रेंज। लेट से मीट्रिक ऐसे है ये मीट्रिक है राउट्स की, ठीक है, अलग अलग राउट्स की मीट्रिक है। मैं जाता हूँ 100 से लेके 300 तक जितने भी राउट्स हैं वो सारे क्या हो जाए फिल्टर, तो इस केस में मुझे क्या मैच करानी पड़ेगी रेंज नॉट पर्टिकुलर मीट्रिक, क्लियर। अगर पर्टिकुलर मीट्रिक मैच कराऊंगा फिर वही प्रॉब्लम आएगी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी इंक्रीज, क्लियर। तो कैसे मैच कराते हैं मीट्रिक रेंज देखो, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से जो मीट्रिक मिनिमम मीट्रिक वैल्यू है वो है 100 और जो मैक्सिमम मीट्रिक वैल्यू है वो है 300। मैं मिनिमम और मैक्सिमम किसकी बात कर रहा हूँ, जिस रेंज को आपको फिल्टर करना है, जिस रेंज को आपको। तो 100 मैंने क्या मान ली मिनिमम, 300 मैंने क्या मान ली मैक्सिमम। सबसे पहला काम क्या करोगे, 100 ही मान लो यार इसको, ठीक है, सॉरी मिनिमम कितनी ले लो, मैक्सिमम कितनी ले लो 40। रीजन देता हूँ फिर आगे यार मैथ है प्रॉब्लम आएगी, क्या है पॉइंटों में बात चली जाएगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 20 प्लस पहला स्टेप होता है एवरेज निकाल लो, सबको पता है एवरेज क्या होती है, चलो होप सो एवरेज क्या आ गई। इस एवरेज में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है, अब एवरेज प्लस माइनस ये डिफरेंस, एवरेज कितनी है प्लस माइनस 30 प्लस 10 30 माइनस 10 तो 20 से 40 तक सारी मीट्रिक ये स्टेटमेंट क्या कर लेगी मैच, क्या कर लेगी मैच, क्लियर भाई। देखो यार 30 प्लस 10 कितना होता है, 30 माइनस 10 कितना होता है 20। मेरे को कहां से कहां तक मीट्रिक मैच करानी थी, 20 से 40 तक, कहां से कहां तक 20 से 40, क्लियर भाई। तो सबसे पहले क्या निकाली, फिर एवरेज वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू क्या कर दी सब्ट्रैक्ट, तो फिर एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस ये आपकी क्या बन गई, क्या बन गई, करके दिखाता हूं। इस तरह से आप राउट मैप को रिमूव कर सकते हो, कर दिया, सारे राउट्स आ जाने चाहिए, आ गए। आगे yes, सबको दिख रहे हैं। अब लेट से मुझे मीट्रिक वैल्यू मैच करानी है 3 2 7 6 8 से लेके, ठीक है ऐसे मैच करा लेते हैं, देखो 32,000 से लेके 3 2 7 6 8 तक सारी मीट्रिक वैल्यू मैच करानी है, कहां से कहां तक, ठीक है जी 32,000 से लेके कहां तक 3 2 7 6 8 तक, विजिबल है कहां से कहां तक 32,000 से लेके डन। एवरेज निकालू पहले, कर लें भी चेक, डिवाइडेड बाय 3 2 3 8 4
थ्री टू थ्री एट फोर, इसमें से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है? मिनिमम क्या रह गया? सो थ्री टू थ्री एट फोर प्लस माइनस 384, ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर रेंज में ये मीटरिंग भी मैच हो जाएगी और ये मीटरिंग भी, एग्री? तो ये दोनों राउट्स क्या हो जाएंगे? फिल्टर मैं डिनाई करना चाहूंगा तो डिनाई, परमिट करना चाहूंगा तो परमिट। क्लियर? ऑल टू भी आ जाओ, फिर क्या बना लो एक, किस नाम से? फिर कुछ इंटरेस्टिंग खुद बताया करो। मैंने कोई एक्शन स्पेसिफाई किया? मतलब जो भी इस राउंड में आप में मैच होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? परमिट। क्या हो जाएगा? परमिट। मैंने क्या कराई? मैच मीटरिंग। क्या है? समझ में आया सबको? यस सर। मैच मीटरिंग 32384 प्लस माइनस 384। पढ़ियो एक बार क्या लिखा बंदे ने। गूगल कर ले। वही लिखूंगा और मेरे को क्या आता लिखना। कौन है ये? ठीक है भाई, मैच करा ली? हाँ जी। क्या मैच नहीं किया? फर्स्ट ओवर 10 गोल देगा, फिर उसके बाद 30 का नेट ओवर हो, फिर 40 का नेट ओवर मैच। मैं आपकी बात नहीं समझा। सर मैच होगा, लूप बैक विद 10 और 30 40 बनाया तो 1 बाय 1 आके पूछ रहे हैं रैंडमली होगा भाई। पता क्या होगा? अपडेट आएगा, अपडेट के मीटर की अगर इस रेंज में लाई करती होगी तो वो परमिट होगा, रेंज में लाई नहीं करती होगी तो अपडेट क्या हो जाएगा? फिर क्लियर? क्या बता रहे? ये मैथमेटिक्स क्या है? प्लस माइनस। क्यों दिया है प्लस? प्लस माइनस का मतलब ये है ना, ये लॉजिक समझाया था अभी आपको 2 मिनट पहले। नहीं ये सर, नहीं मतलब जो माइनस हुआ है ये गलत बोल रहे हैं। माइनस जो हुआ वैल्यू है गलत बोल रहे हैं, वैल्यू बोला था 384 तो आएगा। ठीक है 32384 माइनस 32384 ही आएगा डिफरेंस। मुझे तो यही लग रहा है यार। फाइन, कैलकुलेशन इज फाइन। राउटर EIGRP 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, राउट मैप नेम, डायरेक्शन, डन भाई। लॉग मैसेज आ गए? ये लॉग वॉग वाला सारा सीम सेम है। चाहूं तो राउट मैप इंटरफेस पे भी लगा सकता हूं इंटरफेस के लिए, चाहूं तो सारे नेबर्स के लिए। वो सारे सीन क्या है? सेम, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो दोनों राउट फिल्टर हो चुके हैं। नहीं यार वो तो गए हैं भाई, परमिट किया हुआ मैंने वो राउट्स। मैंने इस बार रूट मैप डिनाई स्टेटमेंट से थोड़ा बनाया, किससे बनाया? तो जिन राउट के मीटरिंग मैच होगी वो परमिट होंगे, डिनाई नहीं होंगे। क्लियर? तो फिर बाकी भी परमिट करने थे, पड़े तो थे सारे। फिर
फिर ये क्यों रूट मैप बनाया था? समझ में आई बात? भाई आ गई समझ में? चले तीसरी चीज पे, तो मीट्रिक और मीट्रिक रेंज में फर्क क्या समझ में आया? मीट्रिक का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, मीट्रिक रेंज का मतलब एक रेंज। जैसे मैं बोलू आप में से कितने लोग 23 से 25 साल की उम्र के बीच में, इट विल बी अ रेंज। लेकिन अगर मैं बोलू 26 साल का कौन है एग्जैक्ट, ये पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है जी, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पैरामीटर मैच करके दिखाऊं, तो इस चेंज को रिमूव कर दूं। हाँ जी रवि, कोई क्वेश्चन है आपका? बात कर रहे हैं, बात नहीं करनी। नाम क्या था रूट मैप का? कर दिया डिलीट। सर ये रियल सिनेरियो में क्या काम होता है? रूट फिल्टरिंग करने के लिए, जो आप कर रहे हो अभी, जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा सर, अभी जो मतलब जियो का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब किसी अलग नेटवर्क से लगाएंगे तो मतलब नंबर नहीं लग रहा है, तो ये शायद ऐसी टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर उसने? नहीं यार, ये सब चीजें इस पढ़ाई से बहुत अलग है। ठीक है जी, अगर आप ये फोन सिम्स की बात करते हो, ये यार थोड़ा टेलीकॉम सेक्टर है। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको एक कॉल समझाऊं, कॉल कैसे जाती है, कॉल समझते हो आप, फोन करते हो, तो मैं आपको एक ना व्यू बता सकता हूं अगर आपको इस कॉलिंग के बारे में जानना है। बट वो चीज हमारी पढ़ाई से बहुत अलग है। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग एंड स्विचिंग का मतलब है एंटरप्राइज लेवल तक के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। एंटरप्राइज क्या होती है? कंपनी। एग्री? जो आप बात कर रहे हो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइडर। रिलायंस क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। तो दैट द थिंग्स दैट आर रनिंग देयर, यस दे आर सेम। मतलब ओएसपीएफ वहां भी है, यहां भी है, लेकिन ओएसपीएफ के जो फीचर्स वहां मिलेंगे यहां नहीं मिलेंगे। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को अब रेस में गाड़ी चलानी है, वो 800 नहीं खरीदेगा। He will not buy Maruti 800 because उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जो नीड है वो गाड़ी से कुछ अलग है। जो आपको नॉर्मली गाड़ी खरीदनी है, आपकी नीड गाड़ी से कुछ अलग है। वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर एनवायरमेंट में जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, और जो हम या कस्टमर है एंटरप्राइज लेवल पे जितनी टेक्नोलॉजीज हम इंप्लीमेंट करते हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? राउटिंग स्विचिंग। तो हमें पढ़ना क्या है? ना एंटरप्राइज से। दूसरी बात, मैं आपको चाह के भी प्रोवाइडर के एंड की बात समझा नहीं सकता। पहली बात मैं आपको बता भी दूंगा, दूसरी बात मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकता। क्यों? मेरे पास डिवाइसेस नहीं है। ये जो राउटर है, मैं आपके जितने भी मेरे पास राउटर है ना, ये सारे कस्टमर एंड राउटर्स हैं। ये कोई भी राउटर प्रोवाइडर एंड नहीं है। प्रोवाइडर एंड में लगते ASR सीरीज के राउटर्स। कौन सी सीरीज के? ASR। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोवाइडर के राउटर को हजारों कस्टमर का ट्रैफिक क्या करना होता है? फॉरवर्ड। कितने लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट था कभी? ठीक है, तो आप लोगों ने ना एक चीज कभी नोटिस की होगी कि हम तो नॉर्मल अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर्स पे गेम खेलते हैं, जो असली गेमर्स होते हैं ना उनका CPU देख के पिस्टन हिल जाएंगे आप। भाई 6-6 कूलेंट लगे देखे हैं मैंने। मैंने एक 8 साल के सरदार को, मतलब ये लगा ले एम्बियंस मॉल में थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पूरा बुक होता है, BYOC होता है, BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक है, कंपटीशन होता है लैंड गेमिंग, उसमें काउंटर स्ट्राइक NFS ये सब कुछ होता है। वहाँ पे जो प्रोफेशनल, एक 8 साल का सरदार था भाई, पंजाब से आया हुआ था, ले रखी थी उसने भाई लोगों की, काउंटर स्ट्राइक खेलता ना, बहुत बढ़िया ऑसम उसका सिस्टम देखा ना, उसके पापा साथ आए भाई, इतना बड़ा था स्क्रीन थी उसके पास, हमने जिंदगी में तब देखी भी नहीं थी इतनी बड़ी स्क्रीन। और उसके हम डब्बे को देख के सोच रहे थे ये तो अलग ही कुछ लाया, वो 6 तो उसमें पंखे लगे हुए थे जो उसको ठंडा कर देते थे। तो वो चीज उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, हम जो कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आपका एक क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, आपने पूछा सर ये फिल्टरिंग यूज क्या होती है। देखो, रियल टाइम में हम चीजों को सिंपल रखते हैं और फिल्टरिंग कभी भी यूज नहीं करते। मुझे ये आपको पढ़ाने क्यों पड़ रही है? क्योंकि मेरे कोर्स में अगर तुम रियल टाइम सिनेरियो की बात करो, अगर एक एंटरप्राइज लेवल पे कहीं भी EIGRP चल रहा होगा, कभी भी वहां पे राउट फिल्टरिंग इंप्लीमेंटेड नहीं होगी। बट EIGRP फिल्टरिंग सपोर्ट करता है और CSCCNP के करिकुलम में, इसलिए मुझे पढ़ा दिया। अब ओएसपीएफ पे आ जाता हूँ।
सेम बात ओएसपीएफ के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं कस्टमर एंड पे बात करूं भाई ओएसपीएफ चल रहा है तो फिल्टरिंग नहीं लगी होगी, लेकिन भाई सेम ओएसपीएफ जब प्रोवाइडर के एंड पे चल रहा होगा वहां क्या लगी होगी? फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग तो सेम है ना, बेशक मैं कस्टमर परस्पेक्टिव से बात करूं, बेशक भाई फिल्टरिंग का कंसेप्ट तो क्या है, तो आपको चीजें आनी चाहिए। ऐसे होता है भाई, लेट से कंपनी वालों ने रिक्वायरमेंट बना के भेजी कि ये राउट इस राउटर पे नहीं आने चाहिए, तो सबसे पहले बंदे के माइंड में क्या आती है? फिल्टरिंग। फिर बंदा सोचता है किस तरीके से फिल्टरिंग करूं कि मेरे बाद जो बंदा आए उसको भी ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज इंप्लीमेंटेड। ऐसा नहीं होता कि मुझे आता है और मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, नहीं, मुझे आना भी चाहिए, फिर मुझे समझाना भी आना चाहिए सेम चीज को कि मैंने किया क्या है। भाई तुम परमानेंट थोड़ा रहोगे वहां पे। लेट्स से एक लैंग्वेज आपके पापा को आती थी, सिर्फ आपके पापा को, पूरी दुनिया आपको सिखा के चले गए, क्या फायदा हुआ? बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं। तो उनको चीजों को क्या बनाना होता? सिंपल। क्या भाई मेरे को समझ में आ रही है और सामने वाले को भी क्या है समझ में आ रही है। तो हमेशा राउटिंग स्विचिंग जब भी आप पढ़ते हो अपने माइंड में कस्टमर एंड लेके चला करो, कभी भी प्रोवाइडर के बारे में मत सोचा करो। मैंने आपको ट्रिपल पी वही पढ़ाया था, याद है? बताया तो था कस्टमर प्रोवाइडर से कैसे कनेक्ट होता है। कभी मैंने बात की प्रोवाइडर राउटर पे क्या चल रहा हुआ? नहीं। उस चीज को पढ़ने के लिए पहले राउटिंग स्विचिंग आनी चाहिए, फिर मैं समझा सकता हूँ आपको प्रोवाइडर लेवल पे एक्सचेंज कैसे होता है। पढ़ाऊंगा आपको बीजीपी ओएसपीएफ के बाद, वहां देखेंगे हम कि प्रोवाइडर से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, चले आगे। तो शो आईपी राउट या जीआरपी, सारे राउट्स आ गए वापस। थर्ड थिंग मैं क्या मैच करने सिखाऊंगा आपको? राउट टाइप। राउट टाइप ई आई जी आर पी में दो तरह के राउट्स होते हैं, ई आई जी आर पी इंटरनल। एक्सटर्नल राउट्स की एडी क्या होती है ई आई जी आर पी में? इंटरनल राउट्स की क्या होती है? अब कौन बंदा डेफिनेशन में एक्सप्लेन करेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल राउट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन। हाँ जी बताओ। सबको समझ में आया? डिफरेंट डोमेन में होगा तो सेम डोमेन में होगा तो इंटरनल। डन। अब एक बात ध्यान से सुनो, चार्जर उतर गया। एक बात ध्यान से सुनो, आपके पास रूट मैप में पावर है। रूट मैप के पास पावर क्या है? किसको मैच करने की? सिर्फ एक्सटर्नल राउट्स को। किसको मैच करने की? एक्सटर्नल राउट्स है क्या? जो डिफरेंट डोमेन के मेंबर है, मतलब जो EIGRP में क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूट। चलो मैं ऐसा ही कुछ अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं ना R3 पे आ गया। सबसे पहले तो R3 पे आके मैंने राउटर EIGRP 1 में गया। मैं देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क कमांड चलाई। कौन सी चला ली? फिर नेटवर्क कमांड कौन सी चला ली? अब साथ ही साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? 0000 हटा दिया। क्लियर। R4 पे आया, नेटवर्क कमांड कौन सी चलाई? फिर नेटवर्क कमांड कौन सी चलाई? 40। फिर कौन सी नेटवर्क कमांड चलाई? नो नेटवर्क 0000। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, R3 पे कुछ लूप बैक बनाऊंगा, जैसे कि सॉरी बना लिए। इन तीनों लूपबैक्स को इसमें एडवर्टाइज करूंगा रिप में, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसमें? जिसकी वजह से ये EIGRP है क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्लियर। सबको समझ में आया? सबको मतलब वैसे ही R4 पे भी कुछ लूपबैक बनाऊंगा। किस सीरीज के? किस
इसमें एडवर्टाइज कर दूंगा, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दूंगा, EIGRP क्या बन जाएंगे। तो और मैं नेटवर्क 0-0 चलाए रखता रहा, प्रॉब्लम क्या आती, जैसे ये लूप बैक बनाता ये लूप बैक भी किसमें एडवर्टाइज हो जाते, EIGRP। क्लियर? आ जाओ भाई R3 पे। मेरे वतन के लोगों, जरा क्यों रोड़ा क्यों है, कोई ढंग का गाओ यार। मेरे वतन के लोगों, बताओ भाई कुछ आप बताओ। राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी नेटवर्क। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मेट्रिक डिफाइन करनी होती है, इस बात का सबको पता है, वरना ये बात मैं दोबारा डिस्कस करूंगा जब अपना टॉपिक पढ़ाऊंगा कौन सा, रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, ओके ठीक है। डन, राउटर OSPF4 रीड सॉरी नेटवर्क राउटर EIGRP1 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF4 मेट्रिक। डन, सबको देख रहे हैं कुछ एक्सटर्नल नेटवर्क्स आते हुए, किस AD से आ रहे हैं। देखो मैं रूट मैप में एक्सटर्नल नेटवर्क्स को मैच करा सकता हूं, तो लेट्स से मैं जाता हूं कि R2 पे सिर्फ एक्सटर्नल नेटवर्क्स ही आए, बाकी सारे क्या हो जाए, डिनाय। क्लियर? तो मैं अगर प्रीफिक्स लिस्ट या ACL में नेटवर्क मैच कराऊंगा तो बहुत सारी स्टेटमेंट लगेंगी, तो मैं क्या करूंगा, क्या बनाऊंगा, एक रूट मैप। किस नाम से? आज तो ईद है ना, कल है आपका फेस्टिवल, नहीं आपका हम कहीं वो बहस कर रहे हैं, आपका फेस्टिवल है ईद, नहीं पागल हो आप, चलो फिर कल लेके आना चिकन प्रसाद तो लेके आओगे, आपकी मर्जी है वो तो। क्या नाम रखे? बोरिंग, और कुछ बताओ ना। तेरा रख दे, इसका ला दे, तेरे को बड़ा पता है, दांत और ग्लास में आता पता लगता है। अच्छा चलो ना यार छोड़ो बकवास मत कर, लड़का भोला रह गया। चलो रूट मैप के नाम क्या रख दिया, राउट टाइप। ठीक है, मैच राउट टाइप कौन सी, तो जो भी रूट्स जिनकी रूट टाइप क्या होगी, वो क्या हो जाएंगे, परमिट। वो क्या हो जाएंगे, परमिट क्यों होंगे सबको पता चल गया, क्योंकि मैंने रूट मैप में एक्शन डिफाइन नहीं किया। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट राउट मैप राउट टाइप लगा दिया, तो सिर्फ कौन से रूट आएंगे R2 पे अब, बाकी सारे इंटरनल क्या हो जाएंगे, फिल्टर देख लेते हैं। सिर्फ कौन से आ रहे हैं, सारे इंटरनल क्या हो गए, डिनाय।
समझ में आया तीसरा पैरामीटर जो मैच कराया, क्या बोला इसको मैंने, रूट टाइप। और रूट टाइप इंटरनल नहीं मैच करा सकता, सिर्फ कौन सी मैच करा सकता हूँ, एक्सटर्नल। तो कभी आपको एक्सटर्नल सारे रूट्स परमिट या डिनाई करने हैं तो आप रूट मैप में क्या मैच करा सकते हो, रूट टाइप, क्या मैच करा सकते हो। चले आगे, चलो। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ सकता है। हाँ जी, चलो आगे, हटा दिया ये भी, तो सारे राउट आ जाएंगे। अब आ गए, अब ओएस यही जी आरपी में एक और ऑप्शन भी आपके पास, इस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। ई जी आर पी में रूल है, ये R3 है, ये राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन तीनों नेटवर्क्स को, ये सर लो, इन तीनों नेटवर्क्स का जब भी ये अपडेट R2 या R1 को देगा ना, तो एक इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब तक हमने अपडेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, क्या क्या होता है, ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो भाई इन तीनों नेटवर्क्स के साथ एक और इंफॉर्मेशन जाएगी, इंफॉर्मेशन क्या होगी, सोर्स प्रोटोकॉल, मतलब फ्रॉम विच प्रोटोकॉल दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से प्रोटोकॉल से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, किससे, जब ये R4 अपडेट सेंड करेगा तो कौन सा प्रोटोकॉल सेंड करेगा, OSP। इसका मतलब R2 और R1 को दोनों को पता होगा कि कौन से राउट्स RIP से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए और कौन से राउट्स, क्लियर, समझ में आई बात सबको। तो R1 पे आगे दिखा दूं, सबसे पहले देखो R1 पे सबसे पहले दिखा देता हूं आपको, शो आईपी राउट यही जी आरपी वन, सारे राउट सारे एक्सटर्नल चेक करो, शो आईपी राउट, सॉरी 172 वाले चेक करो, क्या इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल क्या है, RIP, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल क्या है, OSPF। तो R1 को पता कौन से राउट्स RIP से आए और कौन से राउट्स, क्योंकि जब भी EIGRP के केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म होता है तो राउट के साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लग के आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोटोकॉल, जो बताता है ये राउट कौन से प्रोटोकॉल से रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, क्लियर। अब लेट्स से मैं चाहता हूं कि R2 पे मुझे वही राउट रिसीव हो, वही राउट क्या हो, रिसीव, जो OSPF से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किससे रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो पहले मैं दिखा देता हूं R2 पे सारे राउट्स आ रहे हैं, देखो सारे आ रहे हैं। अब मैं कौन सा रिसीव करना चाहता हूं, क्या बनाऊंगा मैं, किस नाम से, सोर्स। अब मैंने कोई एक्शन डिफाइन नहीं किया, बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या होगा, वरुण परमिट, क्या होगा, मैच सोर्स प्रोटोकॉल, क्या मैच कराया, एएस नंबर क्या था, OSPF का, ठीक है ना, OSPF का 4 था ना, आर 4 पे चेक कर लेना, राउटर आई जी आर पी वन डायरेक्शन, तो मैं वही राउट्स रिसीव करूंगा जिसमें सोर्स प्रोटोकॉल क्या मैच होगा, OSPF, बाकी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल राउट क्या हो जाएंगे, डिनाई। समझ में आया इतना, कौन से राउट्स आ रहे हैं, सिर्फ 192 वाले, वो किससे रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, OSPF।
क्लियर, आगे चलो। अगला पैरामीटर क्या? डन। नो राउट मैप। डन। सारे आ रहे हैं, दिख रहे हैं? चलो भाई, अब इंटरफेस क्या है? मैं जाता हूँ इस इंटरफेस पे, जो राउट्स आ रहे हैं वो मुझे रिसीव ना हो, या तो परमिट कर सकता हूँ या उनको डिनाई कर सकता हूँ। तो इंटरफेस आप मैच खुद ही करवा सकते हो। मैं अभी आपको दिखा दूंगा इंटरफेस को मैच कराने के लिए कमांड क्या होती है। क्लियर? अब मेरी रिक्वायरमेंट देखो क्या है। मैं चाहता हूँ जिन राउट्स की मेट्रिक 32,000 से लेकर 32,768 है, वो सारे फिल्टर हो जाए। लेकिन वो तभी फिल्टर हो अगर वो नेबर मुझे R1 दे रहा है। कौन सा नेबर दे रहा है? R1। रिक्वायरमेंट समझ में आई? मैं इस बार ये वाले राउट्स फिल्टर करना नहीं चाहता, लेकिन मैं स्टिल एक मीट्रिक रेंज को मैच कराना चाहता हूँ। क्लियर? बात समझ में आई सबको? मैं दो चीजें मैच कराना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर नेबर कौन सा R1, और दूसरे कौन से राउट्स जिनके मीट्रिक क्या है 32,000 से लेकर 32,768। ठीक है, तो अब इस केस में मैं कितने पैरामीटर मैच कराऊंगा? दो। एक इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस? क्योंकि R1 नेबर से जो भी अपडेट आएगा वो कौन से इंटरफेस पे आएगा, और R3 नेबर से आएगा, R4 नेबर से आएगा। एग्री? तो इस बार मैं इंटरफेस पे मैच कराऊंगा और मैट्रिक रेंज। अब याद रखना, जब भी एक रूट मैप के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर मैच कराते हैं, रूट मैप के अंदर एंड गेट लॉजिक चलता है। मतलब कितने एड चाहिए थे? 95। दोनों का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था? फुलफिल। क्या होना चाहिए था? फुलफिल। अब मैंने रूट मैप में इंटरफेस कौन सा मैच कराया, मीट्रिक रेंज कौन सी मैच कराई? 32,000 से 32,768 तक करवा दी मैच। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मीट्रिक रेंज तभी मैच होगी जब इंटरफेस भी क्या होगा, मैच। मतलब रूट मैप में एक्शन तब लिया जाएगा जब दोनों पैरामीटर क्या होंगे, मैच। क्योंकि देखो सेम मीट्रिक के साथ अपडेट इन दो इंटरफेसेस पे भी आएगा, लेकिन वो कभी भी इंटरफेस को मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, देखते हैं एक बार क्या बनाया मैंने। किस नाम से? मल्टीपल मैच करा रहा हूं ना इसलिए। ठीक है, तो मैच, होप सो आपको याद होगी। इंटरफेस मैच कराना समझ में आया? तो अब वो सारे राउट्स परमिट हो जाएंगे जिनके मीटर किस रेंज में लाई करती होगी, और कौन से इंटरफेस पर रिसीव हो रहा है अपडेट, F0/0। क्या अप्लाई करी? डायरेक्शन। डन भाई, सबको समझ में आया? वही राउट परमिट है जिनकी मीट्रिक क्या है इस रेंज में, और कौन से इंटरफेस पे अपडेट आ रहा है, F0/0। क्लियर भाई सबको? तो मल्टीपल पैरामीटर में मैच करा सकते हो। चलो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक्सटर्नल राउट्स आए, और एक्सटर्नल राउट भी वही आए जो OSPF से आ रहे हैं। जो किससे आ रहे हैं? तो मैं दो चीजें मैच करा लूंगा, रूट टाइप एक्सटर्नल भी और OSPF भी। सोर्स प्रोटोकॉल कौन सा? OSPF। तो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, रूट मैप में एक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेम मीट्रिक बहुत सारे राउट्स की है, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं है ना बाकी सबके साथ। कौन सा इंटरफेस मैच नहीं कर रहे? F0/0। क्लियर भाई?
एंड गेट चलना चाहिए। रूट मैप एक्शन तभी लेगा जब सारे पैरामीटर क्या होंगे, मैच। आगे सारे दिख रहे हैं? देखो तो मैं क्या करता हूं, देखो आपको दिखाता हूं, मीट्रिक वैल्यू ये मैच कराऊंगा, ठीक है, और राउट्स एक्सटर्नल मैच कराऊंगा, देखना सारे फिल्टर हो जाएंगे। मैंने बनाया रूट मैप, किस नाम से, गलती बना रहा हूं ना कुछ भी, मैच मीट्रिक कौन सी मैच करा दी, मैच रूट टाइप कौन सी मैच करा दी, इसका मतलब क्या है, मैंने वो सारे रूट्स परमिट कर दिए जिनका रूट टाइप तो क्या हो, परमिटरी कौन सी मैच हो। मैंने क्या बोला, वो रूट परमिट तभी होंगे जब दोनों पैरामीटर क्या होंगे, मैच। क्लियर? अब मैं किसमें गया, डायरेक्शन डन, कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या इस रूट मैप में कोई भी रूट मैच होगा, नहीं, क्यों? अगर एक्सटर्नल मैच भी होगा तो मीट्रिक मैच नहीं होगी, मीट्रिक मैच हो गया तो रूट टाइप मैच नहीं होगा, ठीक है? कोई डाउट आ रहा है? क्योंकि कोई डाउट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो वो परमिट हुआ ही नहीं। क्लियर? तो रूट मैप में अगर आप मल्टीपल पैरामीटर मैच करवाते हो तो सारे पैरामीटर क्या होंगे, ट्रू, तभी रूट मैप क्या लेगा, एक्शन, वरना रूट मैप कभी भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है? बताई नहीं मैंने, शो राउट मैप, ये देखो क्या क्या मैच करा रहा हूं, क्या हुआ, समझ में आ गए हो? चले आगे, कुछ नहीं यार, वो पीबीआर अप्लाई करेगा ना, जब तू पीबीआर नहीं पढ़ा, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग नहीं पढ़ा अभी हमने, चलो EIGRP खत्म कर ले फिर पढ़ेंगे। इतना समझ में आया सबको? चले आगे, अब तक हमने नेबरशिप कैसी पढ़ी है, आज कौन सी नेबरशिप पढ़ाऊंगा, स्टैटिक, देखो बाय डिफॉल्ट R1 एक मल्टीकास्ट हेलो भेजता है, वो 2 के पास भी जाती है, 3 के पास भी जाती है और नेबरशिप फॉर्म हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा, R2 को बोलूंगा तेरे को ना मल्टीकास्ट हेलो नहीं भेजनी, कैसी हेलो भेजनी है, इसका मतलब देखो नेटवर्क कमांड अब तक क्या करती थी, एक इंटरफेस पे EIGRP को इनेबल करती थी, दूसरा काम उस इंटरफेस पे क्या होता था, डायनेमिक नेबल डिस्कवरी, और एक काम और होता था उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा है वो किसमें ऐड हो जाता था, टोपोलॉजी टेबल, ठीक है? अब नेटवर्क कमांड चलाई मैंने और साथ ही साथ मैंने कौन सी कमांड ऐड कर दी, कौन सी कमांड, नेबर कमांड,
जैसे मैं नेबर कमांड डिफाइन करूंगा, राउटर क्या करेगा उस पर्टिकुलर इंटरफेस की इंटरफेस पे मल्टीकास्ट की जगह कैसी हेलो भेजेगा, और सारा डेटाबेस एक्सचेंज, टोपोलॉजी टेबल, जितने भी अपडेट एक्सचेंज होते हैं सारे कैसे होंगे। मतलब उस इंटरफेस पे आपको अब कोई भी ट्रैफिक मल्टीकास्ट एक्सचेंज नहीं होगा, कैसा होगा, यूनिकास्ट। क्लियर? स्टैटिक नेबरशिप की जरूरत कहाँ पड़ती है? NVMe नेटवर्क्स पे। कौन से नेटवर्क्स पे? NVMe का मतलब फ्रेम रिले। NVMe का मतलब तो फ्रेम रिले पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है जी। तो आप सबको होप सो समझ में आए होंगे मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे मैच करवाने हैं। आपको मैंने DMVPN पढ़ाया था? Yes, sir. GRE भी पढ़ाया था। तो ट्रीट करो कि R2 और R3 स्पोक्स हैं, R1 हब है, और R4 क्या है? ISP। R4 क्या है? ISP, ठीक है। R1 को मैंने क्या माना है? हब। R2 और R3 को मैंने क्या माना है? तो अब आपको सर इनके बीच में वो कहाँ है? सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने स्विच ले लिया कनेक्टिविटी के लिए, बात खत्म। देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं R1, R2, R3 पे EIGRP एनेबल कर दूंगा तो R1 के भी दो नेबर हो जाएंगे, R2 के भी दो नेबर और R3 के भी दो नेबर। लेकिन मैं चाहता हूं कि R2 और R3 हमेशा R1 के वाया कम्युनिकेट करें। किसके वाया? रिक्वायरमेंट समझो, R2 और R3 किसके वाया कम्युनिकेट करें। तो ऐसा कब पॉसिबल है बोलो? ऐसा पॉसिबल तभी है जब R2 और R3 नेबरशिप किसके साथ फॉर्म करें? सिर्फ R1 के साथ। एग्री? किसके साथ फॉर्म करें? R1 के साथ। एग्री? सबको समझ में इतनी बात। अब ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब R2 और R3 हेलो ही सिर्फ किसको भेजेंगे? और R1 सिर्फ हेलो किसको भेजेगा? R2 और R3 को। एग्री? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं R2 और R3 में कैसे नेबल डिफाइन करूंगा? स्टैटिक। कि R2 और R3 हेलो ही सिर्फ किसको भेजे? R1। किसको भेजे? R1। क्लियर? बात समझ में आई? तो नेटवर्क कमांड भी चलानी पड़ेगी और साथ ही साथ एक और कमांड ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं नेबर कमांड। नेबर कमांड चलाने से राउटर को हम क्या बताते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर नेबर को जितना भी ट्रैफिक भेजना है सारा कैसा भेजना है? यूनिकास्ट। कैसा भेजना है? यूनिकास्ट। क्लियर भाई? तो IP एड्रेसिंग कर लेता हूं मैं पहले एक बार। बात मत किया करो यार, बोलते ही बहुत। इसको क्या बना देंगे? यहाँ नेटवर्क चला लेंगे, ठीक है। .1.4
और ये ISP है तो इस राउटर पे क्या चलाना पड़ेगा? नेट नाट नहीं नेट ठीक है, ये कौन सा इंटरफेस होगा, ये कौन सा इंटरफेस होगा, ठीक है, नेट नहीं चलाऊंगा, बता देता हूँ क्या चलाऊंगा, ठीक है भाई, करें शुरू कॉन्फ़िगरेशन। R4 को पहले होस्ट नेम क्या दे दो, इस पे एक लूपबैक बना लेते हैं R4 पे, देखो ठीक है, और फिर ISP को बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ISP राउटर का मुझे कभी भी रियल टाइम एक्सेस नहीं होता। 201.1.1.4 नो डू, राइट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन को, और ये लो मैंने ISP को उठा के बंद कर दिया। मेरे को ISP के राउटर में कोई नेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं R1 से ट्रैफिक को क्या करके भेजूंगा हमारा R4 पे नेट, तो R4 पे जितना भी ट्रैफिक पहुंचेगा उसमें सोर्स होगी R1 के इंटरफेस की IP सीरियल 3/0 की, जिस नेटवर्क के बारे में R4 को पहले से ही पता है। क्लियर भाई? R1 पे आया, 201.1.1. डन, R2 पे एक लैन बना दूं, देखो लूपबैक बना देता हूं जो लैन का काम करेंगे। लूपबैक क्या बना दिया, ठीक है, R3 पे भी एक लैन बना दे, डन, क्लियर भाई? देखो IGR पे चलाऊं, नेटवर्क नो ऑटो सब, तो R1 हेलो भेजने लग गया होगा R2 और R3 को, लेकिन हम क्या जाते हैं, हाँ डन, नेटवर्क दूसरा, नेटवर्क आपके सामने नेबरशिप फॉर्म हो गई, अभी ये सारी नेबरशिप कैसे फॉर्म हुई होगी, मल्टीकास्ट है लो उस पे, एग्री? मैं जाता हूँ सारा एक्सचेंज कैसा हो, यूनिकास्ट तो दिखा देता हूँ आपको, मल्टीकास्ट जा रही है, मैंने कौन सी कमांड चलाई बोलो, सीरियल कौन से इंटरफेस पे, सॉरी हेलो कैसे जा रही है, टू से चेक करते रहना कैसे जा रही है, यूनिका, और जितने अपडेट भी जाएंगे वो भी अब कैसे जाएंगे, यूनिका, और R2 का सिर्फ नेवर कौन बन पाएगा, R1, क्यों, रूल क्या है, जिस इंटरफेस के लिए मैंने स्टैटिक नेवर कमांड चला दी उस इंटरफेस पे कभी भी डायनेमिक नेबल डिस्कवरी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, मतलब मल्टीकास्ट हेलो उस पे कभी भी नहीं जाएंगे, तो यूनिकास्ट हेलो जाएगी तो नेबर भी कितने बनेंगे, एक। क्लियर भाई? R3 पे आ जाओ, नेटवर्क फिर बन गई, नेबरशिप देखो बन गई आपके सामने, सारी नेबरशिप मल्टीकास्ट बनेगी, ये देखो कैसा पैकेट जा रहा है, 1.3 कैसा पैकेट भेज रहा है, मल्टीकास्ट, हेलो भी कैसी भेज रहा है, मल्टीकास्ट, तेरे कौन सी कमांड चलाई, नेवर किसको बनाया, हब को,
कौन से इंटरफेस पे? अब हेलो देखना, थ्री भी कैसी भेजेगा, कैसी भेज रहे थ्री ऑल टू दोनों हेलो यूनिकास्ट क्लियर। थ्री पे नेबर देखो कितने हैं, टू पे नेबर देखो, शो आई पी आई जी आर पी नेबर कितने नेबर है। ओ भाई शो आई पी आई जी आर पी नेबर यहाँ भी नहीं है, हेलो आ भी रही है और जा भी रही है, नेबर क्यों नहीं है? इसके भी नहीं है, यहाँ भी डिफाइन करना स्टैटिक नेबर। नेबर सॉरी कौन सी कमांड चलाऊंगा? वन डॉट देखो शो आई पी आई जी आर पी नेबर चला दी, तो दोनों तरफ चलानी पड़ेगी नेबर कमांड, शो आई पी आई जी आर पी नेबर 192.168.1.3। यहाँ दिख जाएगा, क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग नेबर। कैसा नेबर है? स्टार्टिंग नेबर। तो आर वन के कितने नेबर है? दो। आर टू के कितने नेबर है? आर थ्री के भी कितने नेबर है? देखना आर टू के पास आर थ्री के नेटवर्क सारे हैं? नहीं नहीं आ रहे, 172 वाला नेटवर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कोई रीजन बताएगा? रीजन क्या है? स्प्लिट हॉरिजन। क्यों? देखो आर थ्री ने अपडेट आर वन को दिया, जिस इंटरफेस पे आर वन ने अपडेट एक्सचेंज किया आर वन को, सेम अपडेट उसी इंटरफेस से वापस किसको भेजना है? आर टू को। लेकिन बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजन वो कभी भी अपडेट वापस नहीं भेज पाएगा, तो आर वन पे वेरीफाई कराता हूँ आपको, शो आई पी आई जी आर पी इंटरफेस डिटेल। स्प्लिट हॉरिजन बाय डिफॉल्ट क्या है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डिसेबल इंटरफेस आई पी स्प्लिट हॉरिजन आई जी आर पी। स्प्लिट हॉरिजन को मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? डिसेबल करते ही आर टू और आर थ्री के बाद नेटवर्क आ जाएंगे। आए तो अभी भी नहीं, आर वन के पास आए हैं। नहीं आए ना, इस पर एडवर्टाइज ही नहीं है। एडवर्टाइज्ड एडवर्टाइज्ड ही नहीं है दोनों पे, मैं लूपबैक बनाया ही नहीं है, भूल गया होगा ना। मेरे को याद है मैं नेटवर्क कमांड तो चलाई थी, नेटवर्क कमांड चलाई थी लूपबैक। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आ रहे हैं अब आर टू के पास, आ रहा थ्री का, थ्री के पास आ रहा है वन का, वो जो टू पे बनाया हुआ है ट्रेस करो। किसके थ्रू जा रहा है ट्रैफिक? वन के थ्रू। ट्रैफिक डायरेक्ट भी जा सकता है, अगर मैं दोबारा मल्टीकास्ट अलाउड कर दूं ट्रैफिक कैसे चला जाएगा डायरेक्ट? इतना समझ में आया सबको? चलो अब R1 पे क्या चला देंगे, नेट। कैसे चलाएंगे? हाँ यार तो कमांड तो यही होती है, कैसी अजीब अजीब बात कर रहे हो। आई पी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 परमिट एनी आई पी नेट इन साइड सोर्स लिस्ट दिस नंबर 10 कौन सा इंटरफेस में सीरियल 3/0 और साथ ही साथ क्या कर देना ठीक है, तो पिंग मार के देख लो
होगा पिंग? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास एक डिफॉल्ट राउट नहीं है। तो R1 को अब क्या देना पड़ेगा? R2 और R3 को एक डिफॉल्ट राउट। तो सबसे पहला तरीका क्या है EIGRP में डिफॉल्ट राउट जनरेट करने का? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो? क्या कर सकते हो आप? R1 पे एक डिफॉल्ट राउट बनाओ। बना लिया आपने IP स्पेस राउट 0.0.0.0 एग्जिट इंटरफेस सीरियल 3/0 डिफॉल्ट राउट आ गया मेरे राउटिंग टेबल में अपनी। आ गया डिफॉल्ट राउट दिख रहा सबको? अब देखो लेकिन R2 पे आया आ गया। अब रीजन क्या है इसका बता देता हूँ। मैंने कुछ किया तो नहीं ना डिफॉल्ट राउट को लाने के लिए। तो EIGRP में ये रूल होता है अगर आपकी राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट रूट एग्जिस्ट करता है विद एग्जिट इंटरफेस विद दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपकी राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट रूट एग्जिस्ट करता है विद एग्जिट इंटरफेस विद एग्जिट इंटरफेस और आपने नेटवर्क कमांड चला रखी है 0.0.0.0 तो आपका राउटर एक EIGRP एक्सटर्नल डिफॉल्ट रूट जनरेट करने लग जाएगा। क्या जनरेट कर जाएगा? जनरेट करने लग जाएगा। देखो समझो बात को। लेट से मेरा एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ठीक है। उस नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाने के लिए मुझे नेटवर्क कमांड चलानी पड़ती है। एग्री? यार लेट से मेरे से लूपबैक कनेक्टेड है 192.168.10 और मुझे इस नेटवर्क को EIGRP अपडेट्स में फॉरवर्ड कराना है। मुझे नेटवर्क कमांड चलानी पड़ेगी ना, नेटवर्क कमांड 192.168.10.0। एग्री? अब जैसे मैंने राउटर पे एक स्टैटिक राउट डिफाइन किया, डिफॉल्ट राउट डिफाइन किया विद एग्जिट इंटरफेस, राउटर को क्या लगता है वो नेटवर्क उससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। एग्री? और नेटवर्क कमांड भी क्या चल रही है? 0.0.0.0। तो नेटवर्क को राउटर को लगता है कि मुझे वो नेटवर्क भी EIGRP में एडवर्टाइज करना है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है जी। तो याद रखना कि अगर R1 के पास एक राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट राउट है विद एग्जिट इंटरफेस और उस पे कमांड भी क्या चल रही है? नेटवर्क 0.0.0. आपके सामने चल रही है? आपके सामने है ना? देखो सब लोग। तो राउटर क्या एडवर्टाइज कर रहा है? एक डिफॉल्ट राउट। ठीक है जी। तो पहला तरीका ये है कि आप नेटवर्क 00 प्लस एक राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट राउट डाल के विद एग्जिट इंटरफेस क्या क्या जनरेट करा सकते हो EIGRP में? डिफॉल्ट राउट। तो R2 को एक डिफॉल्ट राउट मिल रहा है विद AD90। देखो EIGRP डिफॉल्ट राउट है ये। क्या ये? EIGRP डिफॉल्ट राउट। ये भी क्या है? EIGRP डिफॉल्ट राउट। हो रहा पिंग? ISP को पिंग हो रहा है ना? R3 से करके देख लो। हो रहा है पिंग? यस सर। चलो दूसरा तरीका क्या कर दिया मैंने? नेटवर्क 000 कमांड रिमूव कर दी। अब R2 पे आ जाओ। हो रहा है पिंग? नहीं हो रहा। रीजन? R2 का डिफॉल्ट राउट ही नहीं मिल रहा। मिल रहा है? दूसरा तरीका क्या है डिफॉल्ट राउट जनरेट कराने का? आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिफॉल्ट राउट को। क्या कर सकते हो? रीडिस्ट्रीब्यूट। डिफॉल्ट राउट डिफाइन करके उस डिफॉल्ट राउट को क्या कर सकते हो? रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट करते ही आ गया डिफॉल्ट राउट। आ गया। बट इस बार कैसा आया है? पिछली बार कैसा आया था? इंटरनल। पिछली बार कैसा आया था? इंटरनल। दिस थिंग इज क्लियर? एक बार एक्सटर्नल दिखा दिया एक बार। तीसरा तरीका कल पढ़ाऊंगा डिफॉल्ट रूट जनरेट कराने का। थर्ड मेथड वी विल डिस्कस टुमारो। कल क्या क्या पढ़ाऊंगा बता देता हूँ। तीसरा तरीका डिफॉल्ट रूट जनरेट कराने का समराइजेशन। समराइजेशन के बाद स्टफ फीचर EIGRP खत्म। ठीक है भाई कल पढ़ेंगे।